नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कोहराम मचा हुआ है, चौतरफा बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। सोमवार को निकेई 13% से ज्यादा टूटा, निकेई रिकॉर्ड ऊंचाई से 26% तक टूट चुका है। साउथ कोरिया का कॉस्पी 9.5% से ज्यादा टूटा है, हैंगसेंग 2.5% के करीब टूटा, शंघाई 2.25% के करीब टूटा और इसराइल का TA-35 1.5% से ज्यादा की गिरावट इसमें दर्ज की गई। वहीं शुक्रवार को डाउ जोन्स 1.5% से ज्यादा टूटा, S&P 500 2.5%, नैसडैक 2.3% तक टूटा। शुक्रवार को डाउ जोन्स में 610 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली। नैसडैक भी शुक्रवार को 418 अंकों से ज्यादा टूटा और रिसेल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% तक गिरा। अमेरिका में विक्स में 0.26% का उछाल रहा। अमेरिका में मंदी का डर ग्लोबल बाजारों पर हावी रहा, सोमवार के सत्र में हमने वो देखा। लेकिन भारतीय बाजार की बात करें तो निफ्टी 0.3% के आसपास टूटा, जहां ग्लोबल स्तर पर डर का माहौल है। 10-10% तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार टूट रहे हैं, वहीं निफ्टी 0.3% तक ही टूटा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में निवेशकों को डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। डिलॉयट इंडिया ने भी आज एक रिपोर्ट जारी की है इस पर, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का विकास अनुमान RBI के बराबर, यानी वित्त वर्ष 2015 में भारत की ग्रोथ 7.2% रह सकती है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ी। और बिस्तक पर आज के दौरान यानी सोमवार को जितने भी एक्सपर्ट्स आए उन्होंने ये कहा कि निवेशकों को पॉजिटिव रहना चाहिए, डर एकदम से बेचना नहीं चाहिए, कॉशियस रहने की सलाह है, लेकिन पैनिक नहीं करना चाहिए। दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ने भी एक्स पर साझा किया। आनंद महिंद्रा ने एक्स पर लिखा, नेवर अ बेटर टाइम टू डिप्लॉय द एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। इट्स अबाउट ब्रीदिंग डीपली एंड लुकिंग इनवर्ड्स। व्हाट आई सी इज एन इंडिया दैट इज एन ओएसिस इन द वर्ल्ड whose rise will not be impeded in the medium to long term. Play the long game. तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डर का माहौल देखने को मिला, चौतरफा बिकवाली हमें देखने को मिली, 10-10% तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार टूट गए, धड़ाम हो गए, धराशायी हो गए, वहीं भारत में उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो ग्रोथ है वो भारत में इंटैक्ट है, और ऐसे जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है उसमें निवेशकों को घबराना नहीं चाहिए, डर के एकदम से बेच नहीं देना चाहिए, थोड़ी हिम्मत से काम लेनी चाहिए और कॉशियस रहने की उन्होंने सलाह दी है। आनंद महिंद्र ने भी ट्वीट किया, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि भारत ग्रोथ की तरफ अग्रसर है और उनके साथ बने रहने की सलाह है। आपको रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट के जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र ₹159 महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।